हेलो दोस्तों, मैं आज आपको रिंकू घोष के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा नाम मुस्कान है। नमस्ते रिंकू घोष, आज हिंदी भोजपुरी साउथ में गूंजने वाला नाम है, पर यह नाम आजकल भोजपुर में गूंज रहा है। रिंकू घोष का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ। उनके पिताजी एक नेवी ऑफिसर थे। उनकी बदली केरला में हो गई। वो केरला में शिफ्ट हो गए। उन्हें 1995 में मिस मुंबई का टाइटल चुना गया। उन्हें अपनी फिल्मी जिंदगी की शुरुआत साउथ फिल्मों से की थी। उस फिल्म का नाम था रावेना चलिए। यह फिल्म आई पर उनकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक फिल्म में काम करने का फैसला किया। उन्हें ऑडिशन दिया, उनकी सिलेक्शन हो गई। उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था भारत भाया विधाता। यह फिल्म में सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा थे। यह फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई रोड नंबर। यह फिल्म कॉमेडी फिल्म थी। यह फिल्म से भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने दो और हिंदी फिल्म में काम किया, पर फिल्में फ्लॉप होने के कारण उन्हें काम मिलना भी मुश्किल हो गया। अब उन्होंने भोजपुरी फिल्म में आने का फैसला किया। उन्हें एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। अब आखिरकार उन्हें उस फिल्म के लिए सिलेक्शन मिल गई। अब उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। उस फिल्म में उनके साथ प्रवेश लाल यादव थे। यह फिल्म ठीक ठाक रही। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म सौगंध आई, जो की ठीक रही। तीसरी फिल्म उनकी पवन सिंह के साथ आई गठबंधन प्यार के, वो फिल्म हिट रही। अब उन्हें भोजपुर के लोग पसंद करने लगे। उसके बाद उनकी एक फिल्म लाल चुनरिया वाली आई, जो कि ठीक रही। अब उनकी फिल्म दिनेश लाल के साथ एक फिल्म आई दुश्मनी, जो कि सुपरहिट रही। उस फिल्म के साथ उनको भोजपुर के लोग चाहने लगे। उनकी फिल्मों की मांग लोग करने लगे। अब उनकी फिल्म पवन सिंह के साथ आई सुहार, उस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद वो मनोज तिवारी के साथ नजर आई भैया हमार दयावान और दरोगा बाबू आई लव यू। यह फिल्म में हिट रही। वो कई फिल्म में रवि किशन के साथ भी नजर आई हमारा घरवाली और सजनवा तोहते खातिर। उसके बाद दो फिल्मों दिनेश लाल यादव के साथ भी नजर आई आखिरी रास्ता और साथ सहलिया। यह फिल्म सुपरहिट रही। अब उनकी धूम मचाने वाली फिल्म आई साली बड़ी सतावेली। यह फिल्म ने, जो कि सुपरस्टार पवन सिंह के साथ आई, यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम लगा के चढ़ाई की और बॉक्स ऑफिस के साथ फिल्म ने खूब नाम कमाया। इस फिल्म में रिंकू की कलाकारी लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद उनकी दिनेश लाल के साथ रखवाला आई सुपरहिट रही। प्रदीप पांडेय के साथ जीना तेरी गली में यह फिल्म भी सुपरहिट रही। उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जो कि सुपरहिट रही। देखिए उनकी खेसारी लाल के साथ खून भरी मांग आई, जो कि सुपरहिट रही। मनोज तिवारी के साथ और खिलौना नहीं, यह भी हिट रही। निगाहें नागिन की यह फिल्म ठीक ठाक रही, हिट थी। आज रिंकू घोष भोजपुरी दबंग टीम की ब्रांड एम्बेसडर है। रिंकू घोष का विवाह अभिजीत दत्तात्रेय से हुई है। अभी तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। अभी तक रिंकू ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। रिंकू घोष को कई बार उन्हें अपने काम के लिए कई तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिंकू ने अपनी जिंदगी में कितनी फिल्मों में काम किया है देखिए।